हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के नए एक्साइटिंग टॉपिक पर। मैं आपका देवाशीष सर आपको स्वागत करता हूँ इस नए सेशन पर। चलें, सो आज का टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि ये बिल्कुल ही बेसिक है आपका आईसीएसई सीबीएसई क्लास 9th 10th, और उसके बाद जितने हायर क्लासेस में चलते जाएंगे वहाँ पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि 2 पॉइंट सिस्टम का यहाँ पे यूज़ मतलब डेरिवेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जब दो एक्सिस को परपेंडिकुलरली मीट किया जाए तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ है मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले क्लासेस में। सपोज एक पॉइंट यहाँ पे ए लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी लेते हैं, तो ये ए बी पॉइंट का ये वैल्यू एक्स वन कॉमा वाई वन, ये इसका कोऑर्डिनेट्स रखते हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। तो ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैसे निकाला जाए, ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इसको निकालने के लिए हमको ये पता है, ये रहता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो चूंकि ये एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट है ए का, तो यहाँ से ये हुआ आपका वाई वन पॉइंट, ये आपका एक्स वन पॉइंट जो कि ये ओरिजिन से 0 0 ओरिजिन से ये एक्स वन पॉइंट बनता है, और इसका वैल्यू रहता है आपका वाई टू, वाई टू ये कंप्लीट था वाई वन, तो ये वैल्यू बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू बनता है एक्स टू। तो अभी क्या हुआ, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या बनेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, ओके एक्स टू माइनस एक्स वन। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना बनेगा, वाई वन माइनस वाई टू। अच्छा, तो ये क्या पॉइंट मेरा बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो जब ये परपेंडिकुलर बनता है, मैं यहाँ पे सपोज ये नेम करता हूँ सी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, आज पर पाइथागोरस थ्योरम, आज पर पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम वी कैन से एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, सॉरी एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर। तो हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है एबी के बीच में। तो अभी क्या करते हैं, एसी का वैल्यू क्या दिया है, वाई टू माइनस वाई वन या फिर वाई वन माइनस वाई टू, ए स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे बीसी का वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा इक्वल्स टू ए बी, क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे वन माइनस टू लिखा हूँ, यहाँ पे वाई टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा हूँ। अब दोनों क्या होता है, सपोज आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल रहता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए माइनस बी का वैल्यू -3 का स्क्वायर, बी माइनस ए का वैल्यू रहेगा 3, अगर ये -3 बनेगा तो ये 3 बनेगा, दोनों का स्क्वायर का वैल्यू बनता है 1। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, एडिट करके, इसको हमने एडिट करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ
वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए बी का डिस्टेंस। चलो ए बी का डिस्टेंस मिल गया तो एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं इसको लेके। कैसा प्रॉब्लम बन सकता है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पहला प्रॉब्लम करते हैं इस पर। सपोज एक क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं 3.6 एंड 0.2। तो ये पॉइंट्स दो ठो दिया तो अभी इसका मतलब क्या होता है। सपोज इसको हम पी ले लेते हैं पॉइंट पी, इसको ले लेते हैं क्यू। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे बन सकता है। तो पी क्यू कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। तो वैसे ही ये है पी सपोज, ये है क्यू, तो इनके बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम निकालेंगे। तो पी क्यू का लेंथ कैसे निकाला जाएगा, अगेन फॉर्मूला रहेगा पी क्यू इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सपोज ये मेरा एक्स वन वाई वन, ये मेरा एक्स टू वाई टू। तो अभी यहाँ पे पुट करते हैं वाई टू माइनस वाई वन मतलब टू माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर जीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस फोर का स्क्वायर को 16 प्लस थ्री का स्क्वायर को 9, जो कि क्या बनता है रूट ओवर ऑफ 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे आप डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यहाँ पे हमने दो पॉइंट पकड़ा था पी क्यू, यही दो पॉइंट्स के बीच में हमने निकाल लिया आंसर। सो ऐसे करके हम कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं आंसर को। सपोज अभी और एक प्रॉब्लम में चलते हैं। ये प्रॉब्लम सपोज ऐसे दिया है आपको क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सपोज पॉइंट एक टू लेते हैं -12.5। तो अभी इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगेन डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या ओरिजिन का समझना पड़ेगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स कैसे होता है। ओरिजिन, ये ओरिजिन है सपोज, ओरिजिन का क्या वैल्यू रहता है 0.0। यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0। एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसके बीच -12.5 यहाँ पे, तो -12.5 ये एक पॉइंट। तो ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है उसको हमको निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं अगेन फॉर्मूला। सपोज ये नेम करते हैं ओ, ये पॉइंट को नेम करते हैं पी। तो ओ पी का डिस्टेंस कितना होगा रूट ओवर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे सपोज इसको एक्स टू वाई टू, इसको एक्स वन वाई वन लेते हैं, तो क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर या फिर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 144 इक्वल्स टू रूट ओवर 169 इक्वल्स टू 13। तो ये लिख सकते हैं 13 यूनिट्स। तो ये एक प्रॉब्लम को हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब कोई, कहने का मतलब है कोई भी डिस्टेंस दिया रहे आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे भी डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना रहे आप निकाल सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम को क्या करें पॉज करें फिर सॉल्व करें निकालने से पहले, फिर उसको आप चेक करें ठीक निकल रहा है कि नहीं। सपोज एक क्वेश्चन आपको देता हूँ आप ट्राई करने के लिए। एक क्वेश्चन है फाइंड द एरिया
ऑफ ए सर्कल, तो हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विथ सेंटर, सेंटर दिया है क्या 5 माइनस 3, ठीक है। एंड विच पासिस पासिस थ्रू द पॉइंट पॉइंट क्या दिया है -7 तो ये दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। तो ये कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, ये क्वेश्चन क्या दिया है पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है 5 माइनस 3, तो ये बना उसका सेंटर। सपोज एक पॉइंट, ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट लेते हैं पी, ये पॉइंट का वैल्यू दिया है -7 2, जो कि बोल रहा है ये पॉइंट से होते हुए निकल रहा है। तो इसका एरिया निकालना है, हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर, तो ये आर होता है क्या, रेडियस, रेडियस, और पाई होता है 3.14 या फिर 22/7 जो कि कांस्टेंट रहता है, आप जो भी पुट कर सकते हैं इसमें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस को निकालना पड़ेगा, ये रेडियस को निकालना पड़ेगा। तो रेडियस को निकालने के लिए क्या है, अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। तो आर निकालते हैं, यहाँ पे आर का वैल्यू रहेगा क्या, आर या फिर ये है आपका ओपी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x2 - x1, ले सकते हैं इसको, सपोज x2 y2 ले लेते हैं, ये x1 y1 ले लेते हैं। x2 - x1 क्या होगा, -7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या बनेगा, 2 - -3 का होल स्क्वायर। चलिए तो इसका वैल्यू निकालते हैं, ये 7 + 2 12 - 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये 2 + 3 5 का स्क्वायर 25, जो कि क्या बनता है 169 इक्वल्स टू 13 यूनिट्स। तो ओपी का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे 13 यूनिट्स। तो अभी पुट करेंगे यहाँ पे लाके एरिया ऑफ सर्कल के लिए, तो पाई इक्वल्स टू सपोज हमने पुट कर लेते हैं यहाँ पे 3.14, जब क्वेश्चन में ना दिया हो कुछ भी मेंशन तो हम 22/7 भी ले सकते हैं या फिर 3.14 भी ले सकते हैं। सो आर की जगह में आर को हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, वही आर को यहाँ पे पुट कर लेंगे 13 का स्क्वायर। सो ये बनता क्या है 3.14 × 13 × 13, इसका वैल्यू बन जाता है 530.66 स्क्वायर यूनिट्स। तो कहने का मतलब है आप ऐसे करके कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल के। अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला को पुट करके, बेसिक फॉर्मूला को पुट करके आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। फिर से लिख रहा हूँ, ए बी सपोज लाइन है, रूट ओवर ऑफ y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा इसका फाइनल फॉर्मूला, आप इसको नोट करिए और इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। सो इसके साथ मैं अपना सेशन को ये टॉपिक के ऊपर कंप्लीट करना चाहूँगा, और मैं होप करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। होगा तो और एक ठो वीडियो उसके लिए बना के आपके सामने ला सकूँगा। इसके साथ मैं अपना सेशन को